ओम जय श्री गंगाय नमः। 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 भक्त रविदास। हे माते, मैं भक्त रविदास आपकी सेवा में ये पुष्प भेंट कर रहा हूं। इन्हें स्वीकार करें मां और मुझ दास पर कृपा करें। तथास्तु पुत्र, लाओ पुष्प दो। हे माते, आपने मुझ अछूत को दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया माते, मैं धन्य हो गया। हे रविदास, तुम अछूत हो, इसीलिए तुम्हें मेरे दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ है। अर्थात माते? अर्थात आशा, तृष्णा, मोह, माया, काम, क्रोध, इन सब से तुम दूर हो। ना तो तुम्हें ये छू पाया है और ना ही ये छू पाएगा। तन का क्या है, तन तो सभी का मलिन होता है, वो चाहे क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो या फिर वैश्य हो। किंतु माते, समाज के लोग तो मनुष्य को उसके कर्म और तन से ही स्वर्ण और मलिन मानते हैं। मूर्ख हैं वो लोग। मनुष्य की सुंदरता उसके तन से नहीं, मन से आंकी जाती है, उसके तन और कार्य से नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम जहाँ जिस समय मुझे पुकारोगे, मैं स्वयं आकर तुम्हें दर्शन दूंगी और तुम्हारा कल्याण करूंगी। आप दयालु हैं माँ, कृपालु हैं माँ, ममता की मूर्ति हैं माँ। मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आयुष्मान भव पुत्र। जय गंगे मैया की। जय गंगा मैया की। भक्त रविदास। जय गंगे मैया पंडित जी, आइए बैठिए। नहीं नहीं, बैठने का समय नहीं है, मैं तुम्हें बुलाने आया था। किस लिए पंडित जी? गंगा नहाने के लिए, आओ जल्दी चलो। आज तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, आज मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है भक्त, मैं चलता हूँ। अरे हाँ पंडित जी, तनिक रुकिए, ये कुछ प्रसाद मैं आपको देता हूँ, आप गंगा मैया को दे देना। और हाँ, ये प्रसाद जब गंगा मैया जी खुद हाथ फैला कर लें तभी उन्हें देना, अन्यथा प्रसाद वापिस ले आना। आप चिंता ना करें। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। हे गंगा मैया, भक्त रविदास ने आपके लिए प्रसाद भिजवाया है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। थेरुवत, ये लो, और स्वयं ये कंगन जाकर रविदास को दे देना। जाओ। ठीक है माते, 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 ठीक है माते। ऐसा अनोखा कंगन
जिसमें अनेकों हीरे पन्ने और रत्न जड़े हुए हैं। मैंने अपने जीवन में आज पहली बार देखा है, किंतु मैं इसको लेकर इतना खुश क्यों हो रहा हूं? ये कंगन तो रविदास का है, रविदास के लिए ये गंगा मैया ने दिया है। काश ये कंगन मुझे मिला होता तो मैं इस कंगन को राज दरबार में राजा को जाकर देता और बदले में बहुत सारा धन पाता। किंतु अगर मैं सचमुच में ही इस कंगन को राज दरबार में ले गया तो राजा के दूतों को नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, रविदास को क्या पता लगेगा। हाँ हाँ, ऐसा ही करता हूँ, रविदास को क्या पता लगेगा। चलो जल्दी से निकलता हूँ। आ गए पंडित जी गंगा जी में नहाकर। हाँ नहाया। मेरा प्रसाद दिया गंगा मैया जी को? दिया भी था और उन्होंने हाथ बढ़ा के लिया भी था, किंतु किंतु क्या, बदले में कोई उपहार तो दिया होगा गंगा मैया जी ने। नहीं तो कुछ भी नहीं दिया। वो बदले में क्या देती? अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, किसी जजमान के यहाँ जाना है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, जय गंगे मैया की। पंडित जी महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर, कैसे आना हुआ? महाराज ब्राह्मण देवता आपसे मिलना चाहते हैं। कहिए ब्राह्मण देव, कैसे आना हुआ? बस महाराज आपके दर्शन हो गए, चित प्रसन्न हो गया। फिर भी आपके आने का कोई कारण तो होगा। बस महाराज आपकी सेवा में कुछ वस्तु प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, दिखाइए। महाराज ये दिव्य कंगन है जो मैं महारानी जी के लिए आपकी सेवा में लाया हूँ। कंगन तो वास्तव में ही बड़ा सुंदर है, किंतु ये आपके पास कहां से आया? कहीं से नहीं महाराज, ये दिव्य कंगन किसी यजमान ने मुझे उपहार में दिया था जो मैं आपकी शरण में लाया। कंगन तो आप ले आए ब्राह्मण देव, किंतु ये तो अकेला है। यदि इसके जोड़े का और मिल जाए तो कहने ही क्या है। नहीं महाराज, मेरे पास एक ही था जो मैंने आपको दे दिया, अब मैं दूसरा कहां से लाऊं? जोड़ा तो आपको बनाना ही पड़ेगा ब्राह्मण देव, क्योंकि अकेला कंगन मेरे किस काम का। महाराज मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे पास एक ही था जो मैंने आपको दे दिया। ब्राह्मण देव, दूसरा कंगन तो तुम्हें लाना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़वा दिया जाएगा। नहीं महाराज, मुझ पे दया करो, भला मैं गरीब आदमी दूसरा कंगन कहां से लाऊंगा। मंत्री जी, आप सिपाहियों को साथ लेकर के ब्राह्मण के साथ इसके घर जाएं और इससे दूसरा कंगन प्राप्त करें। यदि ये ना दे सके तो इसको और इसके बच्चों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। भक्त रविदास, मैं तुम्हारा गंगा मैया का अपराधी हूं, मुझे क्षमा करें। अरे पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतने कुलीन ब्राह्मण होकर मेरे पांव छूकर माफी मांग रहे हैं? आराम से बताइए क्या बात है। भक्त रविदास, मैंने आपके साथ छल किया है। छल? और मुझसे? नहीं नहीं पंडित जी। भक्त रविदास, गंगा मैया ने आपके प्रसाद के बदले एक कंगन दिया था, वो कंगन मैंने लालचवश राजा को दे दिया। राजा उस कंगन के बदले एक जोड़ा मांग रहा है, अगर मैंने वो जोड़ा लाकर नहीं दिया तो राजा मेरे पूरे परिवार समेत मुझे सूली पे चढ़ा देगा। आप ही भक्त रविदास मेरी रक्षा करें, मुझे बचाएं रविदास, मुझे बचाएं। तो इसके लिए तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? तुम गंगा मैया के अपराधी हो, तुम गंगा मैया से जाकर क्षमा मांगो, वो बहुत दयावान है, तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगी। किंतु किंतु विंतु छोड़िए,
आप गंगा मैया से जाकर क्षमा मांगिए, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगी। हे गंगा मैया, मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने आपको और संत रविदास को धोखा दिया है, मेरा अपराध क्षमा करो गंगा मैया, मेरा अपराध क्षमा करो गंगा मैया। स्पष्ट कीजिए पंडित जी, और कितने कंगन चाहिए? बस एक ही। बस एक ही पंडित जी? जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। लीजिए पंडित जी, अब ये कंगन जाकर राजा को दे दीजिए, अपनी और अपने परिवार की जान बचाइए। जय गंगे मैया, जय गंगा मैया की। जय गंगे मैया, 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 जय गंगे मैया। महाराज की जय हो। आइए मंत्रीवर, क्या ब्राह्मण देव ने कंगन दिया? हाँ महाराज, पंडित जी कंगन लाए हैं। लाओ ब्राह्मण, कहाँ है कंगन? ये लीजिए महाराज। कंगन तो वास्तव में एक जैसे हैं। क्यों ब्राह्मण, घर में चोरी का माल छुपा रखा है? शीघ्र बताओ, कहां से लाए कंगन? मैंने कोई चोरी नहीं की है। पंडित जी ठीक कह रहे हैं अन्नदाता, जिसके ये कंगन है वो तो मोची है, और उन्होंने ये कंगन अपनी कटौती से निकाल के दिया है। ठीक है मंत्रीवर, हम ये मानते हैं कि ये सत्य होगा, किंतु हम उस व्यक्ति से अवश्य मिलना चाहेंगे। ठीक है महाराज, आपको पैदल ही चलना होगा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ भेष बदल कर अकेले चलेंगे, किंतु इतना स्मरण रहे, यदि ये बात झूठ निकली तो फिर तुम जानते हो। ठीक है महाराज, झूठ निकले तो मेरी जान ले लेना। जय गंगे मैया भक्त रविदास। जय गंगे मैया पंडित जी, आइए आसन ग्रहण कीजिए, आपका स्वागत है। ये महानुभाव आपके साथ कौन है? इनका भी स्वागत है। ये व्यापारी हैं, इनका हीरे जवाहरात का काम है। आपका दिया हुआ कंगन देखा तो मेरे साथ चले आए। मैं जानता हूँ पंडित जी, ये व्यापारी नहीं है, महाराज हैं, जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। धन्य है आप भक्त, धन्य है जो बिना कुछ जाने ही हमें पहचान गए। मुझमें इतनी शक्ति कहाँ, ये तो सब गंगे मैया का प्रताप है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि कंगन कहाँ से आए? आइए आपको दिखाता हूँ। हे गंगे मैया, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। लीजिए महाराज, निकाल लीजिए जितने कंगन चाहिए। हे भक्त, ये तो कठौती है, इसमें कंगन कहाँ से आएंगे? जहाँ से पहले दो आए हैं वहाँ से और भी आ जाएंगे। मतलब? मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा, निकाल लो जितने निकालने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। हे भक्तराज, मुझे क्षमा करना, मैंने अनजाने में ही आपकी परीक्षा ली है। जय गंगे मैया। नहीं नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं, मैं इस लायक नहीं, क्या आप मुझसे क्षमा मांगे? हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, और गुरु से क्षमा मांगने में संकोच कैसा? महाराज आप ठीक कह रहे हैं महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कहूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं ब्राह्मण देव। भक्त रविदास,
भक्त बनने के लिए तो यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है, और आपके पास तो वो है ही नहीं। फिर भी आप इतने पहुंचे हुए भक्त कैसे? मन मन बात मन की है पंडित जी, दिखावे की नहीं। अगर मन सच्चा है तो मैं इस बात को नहीं मानता। हर मनुष्य के मन में कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता रहता है, फिर भी वो अपने आप को कैसे बांध सकता है? किसी सीमा तक ब्राह्मण देव सही कह रहे हैं गुरुदेव। तो ठीक है, हाथ कंगन को आरसी का आप खुद ही अपने नेत्रों से देख लो, लेकिन ध्यान से देखना। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया, 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 जय गंगे मैया। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं, धन्य है आपकी भक्ति। हे भक्तराज, आज से मैं भी आपको गुरु मानता हूँ। ये पवित्र जनेऊ मुझे धारण करवाकर मेरा जीवन कृतार्थ करें। ठीक है पंडित जी, लीजिए ये जनेऊ धारण कीजिए। जय गंगे मैया, 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 जय गंगे मैया।